प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम जो है अपने टॉपिकल अध्ययन को जारी रखें। और हम इन दिनों एक महत्वपूर्ण एपिसोड्स पर जो है अध्ययन कर रहे हैं, वो ये कि हमारा प्रभु जो है सब बातों में किसी भी एंगल से किसी भी एस्पेक्ट से सर्वश्रेष्ठ है। हमने पिछली बार देखा था कि हमारा प्रभु क्रिएशन से ऊपर है, जो कुछ उसने रचा उससे ऊपर है। हमारा प्रभु स्वर्गदूतों से उत्तम है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है गैलेक्सी से ऊपर है। और हम इस अध्ययन को आगे भी जो एक एपिसोड के रूप में जारी रखे हुए हैं। और बाइबल में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहां पर प्रभु की सर्वश्रेष्ठता को, प्रभु की क्रिएशन को, प्रभु की बातों को जो है बताया गया। उनमें से पहला हिस्सा है जो मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहली आयत, बुक अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1:1। और यहां यूं लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जैसे ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और 14वीं आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन आदि में था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। स्वयं जो यहां शब्द है इसका हम एनालिसिस देखेंगे, ये शब्द ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और जो है बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। सो मेरे साथ आए बाइबल अध्ययन पे चले। सो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके लिए उत्पन्न हुआ। और ये जो है बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण, आदि में वचन था, आदि में प्रभु यीशु मसीह थे। इसके पहले की पृथ्वी बनती, इसके पहले की पृथ्वी बनती प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस स्वर्ग में विद्यमान थे। स्वर्गदूतों के पहले भी जो है वो विद्यमान थे। इसीलिए उन्होंने कहा वो अनंत काल है, वो प्रथम और अंतिम है, वो अल्फा और ओमेगा है और वो बिगिनिंग है, वो बिगिनिंग है। और जो है जो शब्द आया है वो ग्रीक शब्द, जो वचन यहां शब्द है, अंग्रेजी में वर्ड है, हिंदी में वचन है, वो ग्रीक शब्द लोगोस से आया है। लोगोस
जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और जो 14वीं आयत में आया कि वो शब्द जो है देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की, वो हमारे बीच में उसमें उसने डेरा किया, मनुष्यों के बीच में वो आ गया, और जो है जो शब्द है वो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है आदि में पृथ्वी के पहले स्वर्गदूतों के पहले स्वयं विद्यमान था, और जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। ये जो प्रभु का नाम है यूहन्ना के पहले 18 अध्याय में 7 बार जो है ये शब्द लोगोस लोगोस जो सीधा सीधा क्रिएटर क्रिएटर या बिगिनिंग या कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी ये शब्द, और शब्द मतलब जो यहां हमें वचन 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 और वचन कुछ और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह, और वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, हमारे बीच में डेरा किए, असीमित परमेश्वर, स्वर्गों में भी जो नहीं समाते, पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाते हैं, ऐसा असीमित परमेश्वर हम जैसे मनुष्यों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आ गया, लिमिटेड उसने अपने आप को किया, इतना नम्र और दीन बन गया, शून्य वरन उससे भी शून्य, वक्त आया तो उसने अपने चेलों के पांव धो दिए, वक्त आया तो उसने जो है घोड़ों की मार से लोगों ने थूका, उसने सहा, और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि पहले अध्याय में कि मैंने यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है मैंने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा, उसे छुआ, उसके साथ उठा बैठा हूं मैं, और मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं लेकिन अनुभव की बात कर रहा हूं, और पुनरुत्थान के बाद भी इस मसीह के क्रूस के पास भी ये यूहन्ना था, प्रकाशित वाक्य में ये यूहन्ना था, प्रेरितों के काम में ये यूहन्ना था जिसने प्रभु को ऐसा कहा, और इसीलिए वो कहता है कि जो है हम उसके साथ उठे बैठे हैं 3 साल से ज्यादा समय तक, उसकी हर बात को जानते हैं, इसलिए वो बोलता है अपने वचन में कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही मतलब प्रभु यीशु मसीह बिगिनिंग में परमेश्वर पिता के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये ट्रिनिटी के उस अगम्य बंधन को बताता है, और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ उनकी त्रिएकता में
उस हिस्से को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के साथ। अब समय यह है कि बिल्कुल वैसे ही है, हम बर्फ कहें, पानी कहें या भाप कहें, हमको लगता है सब अलग अलग है, लेकिन केमिकली सबका फॉर्मूला H2O ही है, H2O ही है। ये वो फॉर्मूला है जो बताता है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, आदि में परमेश्वर के साथ, आदि में परमेश्वर के साथ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आदम, हवा, वो बगीचा आदम का, वो गैलेक्सी, वो सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पेड़ पौधे, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसने मनुष्यों में अपना प्राण फूंका, और यही बताता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा करके बताया गया है, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। लूका रचित सुसमाचार में सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। मरकुस रचित सुसमाचार में सर्वेंट, सर्वेंट। और मत्ती रचित सुसमाचार में द किंग, द प्रॉमिस किंग, प्रतिज्ञा किया हुआ राजा। ये चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के इस हिस्से को बताते हैं, इसके अनुसार कलर है। मत्ती रचित सुसमाचार का कलर बैंगनी, क्योंकि वो राजा के कलर को बताता है। सफेद कलर सर्वेंट के कलर को बताता है। लाल कलर जो है वो मनुष्य के पुत्र को बताता है, मनुष्य के पुत्र को बताता है कि वो मनुष्य का पुत्र था। और नीला रंग बताता है कि वो स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र है। देखिए ये चीज थी, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर जो इस संसार में आ गया, जो इस संसार में आ गया, हमारे जैसा चला फिरा, हमारे जैसा उठा बैठा, हमारे जैसा उसे भूख लगी, हमारे जैसा उसने खाया पिया, उसको भी थकान हुई, वो जो है उसके भी आंसू बहे। इसलिए आज जो इन विपत्त, इन स्थितियों से गुजरता है, प्रभु यीशु मसीह उसको समझते हैं, समझते हैं। और उसने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और वो सत्य की गवाही देता है, जो मुझ में बना रहेगा वो सत्य, सत्य और सत्य। मुझमें जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, और जो है परमेश्वर स्वयं प्रकाशित वाक्य में 19वें अध्याय में सबसे आगे उस श्वेत घोड़े पर सवार, उसकी जांग पे यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके मुंह से दोधारी तलवार, उसके सिर पर सोने का मुकुट, उसके पीछे स्वर्ग की अनगिनत सेनाएं। और वो कोई और नहीं, वो कलीसिया के बारे में, वो कलीसिया के बारे में। सो ये जो है आयत
जो हमने पढ़ी वो इतनी महत्वपूर्ण, ये प्रभु यीशु मसीह के उस हिस्से को बता देती है कि हमारा प्रभु जो है समयों के पहले, उसकी आइडेंटिटी, उसका पिता के साथ संबंध और उसका इस संसार के साथ संबंध, और समय के पहले इन द बिगिनिंग ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। यूहन्ना बोलता है ये ऐसी प्लानिंग है कि वचन जो है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सो यूहन्ना बोलता है इससे तुम जानो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, दूसरा तीमोथियुस, यहूदा की पुस्तक, सब में ये, और दूसरी जो चीज थी इसी आयत में, वो स्वयं परमेश्वर, वचन परमेश्वर, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई, दुनिया में, गैलेक्सी में, स्वर्ग में, स्वर्गदूतों में, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। और प्रभु यीशु मसीह को थमाने का, हां प्रभु, और पिता के साथ जो उनके रिलेशनशिप थी कि वचन ही परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह इसको बाद में बोलते हैं कि पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय इकलौते पुत्र के, और जिस पर उसने प्रकट करना चाहा उसको छोड़ कोई इस रहस्य को नहीं जानता, कोई इस रहस्य पिता को किसी ने नहीं देखा। और पिता को प्रकट करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में वो जो प्रकटीकरण है वो ये कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के अलावा उत्पन्न नहीं हुआ जो उससे छिपा हो। सो ये बात स्पष्ट करता है यूहन्ना कि प्रभु यीशु मसीह हाथों के द्वारा जैसा आदम और हवा बनाए गए वैसा नहीं बनाए गए, क्योंकि वो और पिता और पवित्र आत्मा, हम इन्हें अलग अलग समयों पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इंटरनली वो वही H2O वाला फॉर्मूला है। सो हर चीज उसके द्वारा बनी गई। जो कुछ हम देखते हैं इस गैलेक्सी में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और आदि में वचन जो कुछ हमें दिख रहा है वो
वो सब कुछ। और इसके बाद भी जब हम पौलुस इस चीज को बोलता, आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, एक दिन हम आमने सामने देखेंगे, एक दिन हम आमने सामने जब वहां पहुंच जाएंगे प्रभु को वैसा देखेंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 अध्याय में कही स्वयं परमेश्वर ने कि वे मेरा मुंह देखेंगे। और ये स्थिति युग युगान से युग युगान तक बनी रहेगी। मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, नई धरती नया आकाश, नई धरती नया आकाश। सो दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं सच्चे दाखलता हूं, मैं अच्छा चरवा हूं, मार्ग सत्य और जीवन में ही, पुनरुत्थान और जीवन में ही, देखो मैं मर गया था अब युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु को हम हृदय से धन्यवाद देते हुए आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं प्रभु आपकी बड़ाई करने के। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सब सोच है, पृथ्वी कैसे बोल, पृथ्वी कैसे विचार है, लेकिन जैसे भी हैं प्रभु आपके समीप आते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको सुपुर्द करते हैं पिताजी। और धन्यवाद आप जो अगम्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, विलोम से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, क्या कहें पिता? I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.